हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम डेटर, क्रेडिटर और कैश वाले लेजर में डिफरेंस कर सकते हैं। जनरली होता क्या है कि हम जब अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं, और यहां से बी प्रेस मैं कर लेता हूं, यहां पे हमें जाना है परचेस वाउचर में, कीबोर्ड से F9 प्रेस करना है आपको या यहां क्लिक भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली यहां पे नंबर जनरेट होकर आ रहा है, बिल नंबर। अगर ये आपको सीखना है तो एक वीडियो हमने क्रिएट किया है इसके ऊपर, आप वहां से जाके सीख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। यहां पर मैं सप्लायर का इनवॉइस नंबर देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, ये डेट आ जाएगी जिस डेट पे हम खरीदारी करेंगे। यहाँ पर कैश का लेजर मैं लगा रहा हूँ। जनरली होता क्या था कि यहाँ पर हम क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगाते थे, ठीक है। जैसे ही कैश करता हूं मैं यहाँ पे, ये देखिए, ये कैश कर दिया हमने, और यहाँ पे देखिए 898,866 रुपए शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 898,866 रुपए आपका करंट बैलेंस है। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ परचेस अकाउंट का लेजर आ जाएगा। कीबोर्ड वापस ले लेता हूँ मैं, 142 आइटम है हमारे पास, और भी मैं परचेस कर लेता हूँ, जैसे 100 आइटम और परचेस कर लेता हूँ कीबोर्ड के, और सेम रेट पे। यहाँ 0.1% का डिस्काउंट लगा दिया हमने। एंटर प्रेस किया। मैं CGST SGST का लेजर नहीं लगा रहा, एंटर प्रेस करता हूँ, इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ। ये करा लिया हमने, आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। तो ये दो बार डी प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये जो हमने एंट्री बनाई है नीचे, ये हमें दिख जाएगी। ये देखिए, यही वो एंट्री है जो हमने की थी, ठीक है। अब यहाँ पर 893,872 रुपए शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए बैलेंस, आपको बैलेंस पे ध्यान देना है। इसके पहले 898,000 समथिंग बैलेंस शो कर रहा था, 898,866.96 रुपए जो है बैलेंस शो कर रहा था। लेकिन जब हमने एंट्री कर ली तो इस एंट्री में 5,594.40 रुपए की हमने खरीदारी की, और ये हमारा जो बैलेंस है, करंट बैलेंस, वो घट गया। इसके बाद बाहर आ जाते हैं, बाहर आ गए। बाहर आने के बाद अब हम चलते हैं सेल्स वाउचर में, ठीक है। सेल्स वाउचर में जाने के लिए वी प्रेस करता हूं और F8 प्रेस कर देता हूं सेल्स वाउचर में जाने के लिए। ये आ गए सेल्स वाउचर में। यहाँ देखिए, सेल्स वाउचर में भी ऑटोमेटिकली बिल नंबर जनरेट हो रहा है। अब यहाँ पे रेफरेंस नंबर मैं डाल देता हूँ 890, एंटर प्रेस करता हूँ, कैश कर देता हूँ मैं। ये कैश का लेजर यहाँ पे लगा देता हूँ। जनरली होता क्या था कि यहाँ डेटर पार्टी का लेजर हम लगाते थे, यहाँ पे कैश का लेजर लगाता हूँ। कैश का लेजर लगाने के बाद एंटर प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, और यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे करंट बैलेंस उतना ही शो कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, 893,272 रुपए, ठीक है। अब हम इसे सेल कर रहे हैं, तो जब सेल करेंगे तो अब देखिए, कीबोर्ड ही सेल कर रहा हूं, तो ये कीबोर्ड के 242 आइटम है, और 200 आइटम में सेल कर रहा हूं, ठीक है, 200 आइटम सेल कर रहा हूं। लेकिन इस बार ध्यान दीजिएगा कि कैश में सेल कर रहा हूं, तो ये 200 आइटम हमने सेल किया, ठीक है, और इस पर 0.1% का डिस्काउंट भी लगा देता हूं, ये लगा दिया हमने। एंटर प्रेस किया, इस पर भी GST नहीं लगा रहा मैं, ये हमने एक्सेप्ट कराया। अब चलते हैं, देखते हैं सेल्स अकाउंट वाला जो हमने एंट्री बनाई है वो किस तरह से हमें दिखेगी, वो आपको दिखाता हूं। एंटर प्रेस करते हैं। अब यहां देखिए, कुल मिलाकर के बैलेंस कितना शो कर रहा है, 917,248.56 रुपए, यानी कि आपका बैलेंस हो गया इंक्रीज, यानी आपने डायरेक्टली रिसीव कर लिया। तो कैश का लेजर अगर यहां लगा देते हैं तो आपको ये फायदा होगा। इससे बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी दूर हो जाएगी कि कैश का लेजर हम क्यों लगाएं और क्यों ना लगाएं। अगर आप डायरेक्टली पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो यहां कैश का लेजर लगा सकते हैं, आपको वहां पर जाकर के। और जैसे जनरली होता क्या था कि सेल्स वाउचर में अगर एंट्री करते थे तो हमें जाना पड़ता था रिसिप्ट वाउचर में, और पेमेंट वाउचर सॉरी परचेज वाउचर में एंट्री करते थे तो वहां पर हमें जाना पड़ता था पेमेंट वाउचर में। तो अब वहां जाने की जरूरत नहीं, यहां पर डायरेक्टली आप रिसीव कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।